सुमित्रा। मगध के राजा की पुत्री सुमित्रा राजा दशरथ की दूसरी रानी थी। बचपन से ही मिलनसार, शांत और सभी से मित्रवत व्यवहार के कारण ही संभवतः उनका नाम सुमित्रा रखा गया होगा। अयोध्या में भी वो कौशल्या के समान स्तर पर ही थी। कौशल्या और कैकेयी के प्रति बहन जैसा निस्वार्थ प्रेम के कारण वो भी दोनों की प्रिय थी। यही कारण था कि पुत्रकामेष्ठि यज्ञ के उपरांत जब तीनों रानियों को खीर वितरित की गई, कौशल्या और कैकेयी ने अपनी खीर में से कुछ भाग सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सुमित्रा को दोहरा भाग मिल गया और उसने दो पुत्रों के रूप में लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कैकेय राज पर आक्रमण की सूचना मिलने पर जब भरत अपने मामा युद्धजीत के साथ ननिहाल जा रहे थे, सुमित्रा ने अपने पुत्र शत्रुघ्न को उनके साथ भेज दिया। लक्ष्मण भी राम के 14 वर्ष के वनवास में उनके साथ जाना चाहते थे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को केवल अनुमति ही नहीं दी, बल्कि ये भी कहा, अपने बड़े भाई के प्रति समर्पित ऐसा छोटा भाई पाकर मैं धन्य हो गई। यहां मैं कौशल्या का पूरा ध्यान रखूंगी और तुम वनवास में राम और सीता की भरपूर सेवा करना। अपने कुलीन, निस्वार्थ और उदार आचरण के कारण ही रामायण में सुमित्रा को सम्मानीय स्थान प्राप्त।